अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी अमेरिकी चुनाव की चर्चा है और लोगों के मन में एक सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस कौन भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को मजबूत करेगा। इस पर भारतीय मूल के दिग्गज अमेरिकी उद्योगपति संत सिंह चटवाल का कहना है कि चाहे ट्रंप हो या कमला हैरिस, दोनों भारत के साथ मजबूत संबंधों को वरीयता देंगे। फिलहाल रुझानों में कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली है, जिसके बाद व्हाइट हाउस के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और जश्न मनाते हुए भी दिख भी रहे हैं। इस बीच आइए अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट में जानते हैं कि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की बढ़त के बाद सिख समुदाय के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अमेरिका में चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है और चुनाव की गिनती के बीच जो रुझान आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं और इसलिए व्हाइट हाउस के बाहर जो है वो ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और झगड़ा भी हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल साहब, ये तो बिल्कुल आपने क्या वाला माहौल बना दिया। मैंने भी हमारे भारतीय समुदाय से ट्रंप के सपोर्ट के लिए व्हाइट हाउस के बाहर बहुत जबरदस्त माहौल बना है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पक्ष में आ रहे हैं और इसलिए बहुत एक्साइटमेंट है आज हमारे यहाँ पूरी कम्युनिटी में और लोग व्हाइट हाउस के बाहर यहाँ ढोल और नगाड़े लेके खुशी का इजहार कर रहे हैं। अभी फाइनल नतीजे आए नहीं है पर लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस बार बिल्कुल विजयी। बहुत ही क्लोज रेस मानी जा रही थी, ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि बाजी पलट। देखिए ये जो चार साल जो नाकाम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी जो अमेरिका, आज एक अमेरिकन ने कंपेयर किया कि ट्रंप के जो चार साल थे और प्रेसिडेंट बाइडेन के जो चार साल थे उसमें क्या फर्क था और ये देखने के बाद सब लोग आज यहाँ देख सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी में भी लोग ट्रंप की सपोर्ट में आए हुए। एक आखिरी सवाल जैसे साहब, अगर ये जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है क्या ये इनॉग्रेशन पर जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं? बिल्कुल, ये अगर आज ऑफिशियल लाइव करते हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट है यहाँ पे हमारे यहाँ पे खासकर भारतीय समुदाय में और ये इनॉग्रेशन तक सही एक्साइटमेंट रहेगी। न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में लाइव सजे को लेकर जिस तरीके की फिलहाल जनता की रशियन टीवी ने लाइव आई है, कनाडा से आई है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में वो तमाम चीजें जो है वो भी ठीक हो पाएंगी भारत के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो अमेरिका की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के साथ फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की फिर दुरुस्त होगी और भारत के साथ विश्व के हर मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते कायम हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में जीत हासिल की है, इसी के साथ उन्हें इस राज्य के 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए। फिलहाल वे 230 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर चुके हैं। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करना जरूरी है। कमला हैरिस ने एक के बाद एक तीन राज्यों में जीत हासिल की। उन्हें कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन और इडाहो के अलावा न्यू मैक्सिको और ओरेगन में जीत मिली है। इन पांच राज्यों में जीत के साथ ही कमला हैरिस अब तक 205 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर चुकी हैं। उनके पास अब 19 राज्यों में बढ़त है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अभी भी 230 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के साथ 270 के बहुमत के आंकड़े के ज्यादा करीब हैं। रिपब्लिकन पार्टी अब तक 28 राज्यों में आगे हो चुकी है। वोटों की गिनती लगातार जारी है और रुझान कभी भी बदल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने जारी हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस से आगे चल रहे हैं। इस बीच जहां पार्टियों के प्रति झुकाव रखने वाले अधिकतर राज्यों में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा, वहीं स्विंग स्टेट्स यानी प्रत्याशियों को देखकर उनका समर्थन बदलने वाले राज्यों में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। फिलहाल रुझानों में कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त बढ़त चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है जहां रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस कई राज्यों में करीबी मुकाबले में उलझे हैं। वहीं स्विंग स्टेट के तौर पर पहचाने जाने वाले पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते दिख रहे हैं। फिलहाल यहां वोटों की गिनती जारी है लेकिन दोनों नेताओं के बीच वोटों का अंतर काफी ज्यादा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 की तरह ही इस बार भी पेंसिल्वेनिया में पिछड़ने के बाद राज्य में धोखाधड़ी से जुड़े दावे कर दिए। उन्होंने इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया है, हालांकि उन्होंने परिवर्तन एजेंसियों की धमकी दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।